हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विशाल चौधरी आते लिए अब लेते आया हूँ एमपी कॉन्स्टेबल के ओल्ड क्वेश्चन, जो ओल्ड पेपर थे। यह पेपर मैं स्वतंत्र आ रहा हूँ, 100% सॉल्व होता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ। यह पेपर 19 अगस्त 2017 था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसे हर पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे और यह मैं सवाल करवा रहा हूँ। जब भी मैं क्वेश्चन सवाल करवाऊँ तो पेन और कॉपी लेकर बैठे और मेरे क्वेश्चन तो देते हैं, जैसे सवाल ट्रिक में सवाल करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार के सदस्य नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में कौन सीता का नाती या नातनी या पोता या पोती? तो दे तो सीता तो ये रहे जो ड्रीम फादर है, ये उनके सन है राहुल, एन प्रियंता जो है वो द्वातर है, तो यह जो है नाती और नातनी हो जाएंगे। तो अब आप आंसर देखते हैं, कुणाल और कपिल, कुणाल, हाँ कुणाल, ये कुणाल कपिल और प्रिया जो है इनके पोते हैं, और यह जो दिया मीना पारुल एन सादर्श, इनके क्या है पोते और पोती हैं। तो ये दे तो पारुल और तपिल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पोते और पोतनी, यह प्रियंता तो द्वातर है, कुणाल और सरिता, सरिता तो इनकी बहू है, और राहुल इनके बेटे, तो यह तीन तो हो नहीं सकते, तो क्या होता पारुल और तपिल आंसर आ जाए दसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस 30 दिन मनाया जाता है, क्या क्वेश्चन है? मानव 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 15 जुलाई, तो इतना राइट आंसर आ जाएगा तीसरा, हम 10 दिसंबर तो मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, विदिशा 30 नदी के तट पे, रावी सोन तेन बेतवा, तो विदिशा बेतवा नदी के किनारे, तोसी नदी के किनारे विदिशा बेतवा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना थी, राणा सिंह ग्वालियर की स्थापना किसने की थी यह बताना है, तो राणा सिंह सम्राट और राजा विक्रमादित्य सूरज सिंह, तो इसकी जो राइट आंसर है यह फोर्थ है, सूरज सिंह ने ग्वालियर राज्य या फिर ग्वालियर जो शहर है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे देखते कैसे हल हुआ है, इसे हमने यह लेता है, इसे यह लेता है, तो इसका क्या अर्थ है? तो देखो इसका क्या डी ई एम ए नो डी, अब इसे क्या लेता है, डी लेता हुआ है, एन लेता हुआ है, ए लेता हुआ है, एम लेता हुआ है, ई लेता हुआ है और डी, अब कैसे लेता मैं बता, ये जो डी है ना ये यहाँ आ रहा है, यन यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, यम यहाँ, ई यहाँ और डी यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे इन्होंने हाल किया, तो हमें इसे हाल करना है, किसे क्यू यू ए एन टी आई टी और वाई, तो इसे हाल करने से पहले क्या आएगा, सबसे पहले वाई फिर क्या आएगा टी, फिर आएगा आई, फिर आएगा टी, फिर आएगा एन, फिर आएगा ए, फिर आएगा यू, फिर आएगा क्यू, तो ये दे तो यह कहाँ के उसमें आ रहा है, तो दे तो क्यू और यू, क्यू और यू इसमें आ रहा है फर्स्ट में लास्ट में, तो यह आता राइट आंसर हो जाए, तो विपरीत लिखा हुआ है इन्होंने, तो आस्ते बोलते बहुत ईजी क्वेश्चन रहते और हल करना आसान रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी ती जीवनी मोदी ए तारे ता अ तुल्य उदय ते लेता तोन राजदीप सरदेसाई तरुण विजय राजू श्रीवास्तव या रंजन शर्मा। तो इसके जो लेखक है मोदी है तारा अतुल उदय, जो इसके जो वो है तो ये आ जाएगा फर्स्ट तरुण विजय। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिकली लिमिटेड का मुख्यालय था हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इट लोटेड एट चेन्नई बेंगलोर देवास या तोरापुत। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में तुल कितने केंद्र शासित प्रदेश, ये 2017 का पेपर है। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेरिटरीज इन इंडिया इज 11 10 12 एंड 7। तो क्या है इसका आंसर 7। लेकिन अभी 2020 की बात करें हम तो अभी 19 है क्योंकि दो बंद है दो और जम्मू कश्मीर तो अलग तरह के बंद है यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द एस्टेब्लिश इट इन अने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तब 1947 1947 या 1935। तो आप तो राइट आंसर पता हो इसकी स्थापना होती 1935 तब हुई थी 1935 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र सरकार वित्तीय मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन, ये 2017 का क्वेश्चन है राइट। अरविंद सुब्रमण्यु राजू सामान्य या सुब्रमण्यु स्वामी या रघुराम राजा। तो क्या था 2017 तो दिन इसका आंसर राजू सामान्य ले तो अभी आर सुब्रमण्य है राइट, ये इसका सही आंसर है अरविंद सुब्रमण्य। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन तो भी क्लिक करना जिससे मेरे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकते हो। मैं मैथ बहुत इजी वे में और सरल शब्दों में पढ़ाता हूँ। थैंक यू, अच्छा लगे तो जरूर प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।